पंजाब चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। इससे उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव में राजनीतिक नुकसान हो सकता है। चुनाव के बाद भी उन्हें इससे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को अवैध बालू खनन मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के अधिकारियों ने भूपेंद्र सिंह हनी से 8 घंटे तक पूछताछ की। उनके घर से 7.90 करोड़ रुपए और उनके सहयोगी संदीप कुमार के परिसर से 2 करोड़ नकद रुपए जब्त किए गए। अवैध रेत खनन रैकेट के इर्द गिर्द मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तीनों की जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी बालू खनन के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच से पता चला है कि भूपिंदर सिंह, कुदरत दीप सिंह और संदीप कुमार प्रोवाइडर्स ओवरसीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। इसके पहले भी इन लोगों के परिसरों पर छापा मारा गया था। ईडी ने कहा था कि मोबाइल फोन, 21 लाख रुपए से अधिक का सोना और 12 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी से संबंधित दस्तावेज भी तलाशी के दौरान जब्त किए गए थे।